अरे वो थोड़े पैसों की जरूरत थी, मुझे कुछ मंगवाना था। तो भाई पूछ सकते हो ना, हम तो देते मतलब क्या ऐसे निकाल के ले जाओ। तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे वो बात थोड़ी है, पैसे अलग नहीं है, पूछ सकते हो ना। मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ, बताती नहीं यार। अरे क्या बात होगी, हाँ क्या बात होगी, क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ बताना, क्या बात होगी पिया? अरे कुछ नहीं। अरे ये क्या बात होगी, क्या बात होगी, तुम क्यों हो गए उसको, तू रोगी रे, पहले तो चुप हो। ओए सोने, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग अगेन। एंड सुबह सुबह ये लोग आ गए थे मुझे लेने के लिए और मैं आ गई हूँ अपने घर पर। और मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, और मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे व्लॉग बनाना है। तो अभी मैं घर आ गई, दिखाती हूँ कौन कौन मेरी मेरे स्वागत के लिए बैठा था यहाँ। ये तो क्या कर रही थी अभी। हेलो आंटी जी, सबको हेलो, हेलो तो कर दो आप। ये मेरी पापी है, वो मेरी माँ है, वो तो आपको सब जानती होंगे। और ये मेरी बेवकूफ बहन है। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता सा चल रहा है, मीठा मीठा चल रहा है। मम्मी कुछ नमकीन भी ला देती है। वाह 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 वाह, नमक 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 में भर के दे दूं। वो मिर्ची हो जाएगी ना नमका, तो तीखा वही तो हो गया। वाह, नमक भी है, मिर्ची भी है। सही कह रही हो। क्या कह रही थी आप? बोलो ना, बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? अब क्या बोलूं मैं, जो अभी वो पूछ रहे थे, व्लॉग चालू नहीं था इसलिए। अरे उससे पहले भी आपने कुछ बोला था, कैसी रही क्या? कैसी कटी तेरी 4-5 दिन बेटे बता। मेरे तो बहुत बढ़िया कटे, और मुझे घर की भी याद नहीं आई। वही तो, लेकिन वहाँ जाके मेरा मन लग गया, मन लग गया। हाँ, और हाँ थोड़ी थोड़ी बीच बीच में तो खैर आ जाती थी, बट ऐसे नहीं आई कि मैं रो रही हूँ बैठ के या कुछ भी। आराम से पूछे मम्मी, देखो क्या कह रही है, आराम से पूछूंगी वो तो मैं। तुझे सब बताऊंगी मैं। अबे जा। अरे मेरे पापा ने गेट खोला है, पापा मेरे। मेरा बाबू। वो नीचे से मेरे नाटक दिखा रहा है, कह रहा नैना। तो मेरा बाबू, कैसे हो पापा? एकदम बढ़िया, आप कैसी हो बेटा? बहुत बढ़िया। अभी मेरे पापा ऑफिस आए थे और मैं सूट देने के लिए गई थी, पापा ने फिर फोन करके बुलाया जल्दी आ जाओ। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, अब तू पानी लाए एक गिलास। सो गाइज, अब पूरा दिन तो मेरा ऐसे सोने में निकल गया था, बिकॉज आज मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी और घर पे आने के बाद मैं फिर सो गई थी। एक्चुअल में आज इसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मतलब मेरे मामा मामी की, और जो एक्चुअल में हम लोग भूल गए थे, बिल्कुल दिमाग में नहीं था, वो अभी याद आया कि वो भी मामा ने याद दिलाया कि भाई एनिवर्सरी है। अबे चुप कर, लाइक करो पहले। तो हम लोग अभी केक लेने जा रहे हैं, केक लेने के बाद हम जाएंगे मामा मामी के यहाँ, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, खाना वाना मंगाएंगे, तो थोड़ा सा उनको सॉरी भी बोलेंगे, गलती हो गई भाई, दिमाग से निकल गई, मेरी नई नई शादी हुई है, एक्साइटमेंट में सब भूल गए। आ गए मामी के यहाँ, ये देखो मेरा बेटा, कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। मामू हैप्पी एनिवर्सरी। मामी जी इधर आओ, ये तू रो क्यों रहा है? उसको हम इसके घर ले आए इसलिए रो रहा है मम्मी। हमने बोला कि तुझे लेके चलेंगे साथ में, मान ना रहा, उसे बड़ी मुश्किल से निकाला है अंदर से। इसे कपड़े पहनाओ जल्दी से जी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अब सॉरी हाँ, आज याद नहीं रहा, ऐसे दिमाग से निकल गई ना। सही बात है। वही है ना, नई नई शादी हुई है ना। सही बात है, शादी होगी नई नई तो याद कहाँ रहेगा। ये देखो देखे ही जा रही है भाई, बेटा कहा हुआ मेरे बच्चे। हटा ले।
अभी ना मेरी मम्मी मुझे थोड़ा सा भाषण सुना रही थी कि तो रोज की व्लॉगिंग क्यों नहीं करती है, कि जब कल ये लोग लेने के लिए आए थे ना मुझे, मेरे भाई बहन वगैरह, तो तूने वो व्लॉग में क्यों नहीं लिया एंड ऑल। मैंने कहा यार मम्मी दिमाग से निकल जाता है, मैं एक्चुअली में भूल जाती हूँ यार। तो खैर छोड़ो जो भी है, अब क्या था कि कल रात हम लोग ऑलरेडी मामा मामी के एनिवर्सरी मनाकर आ गए थे, और अब मुझे डे टाइम में मुझे काम है, मुझे शूट वगैरह रील शूट वगैरह करना है, तो राहुल शर्मा आ रहे हैं। तो अब इस वाले ब्लॉग में मैं मिलवाती हूँ आपको राहुल शर्मा से, ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरे और भी काम है, मुझे बाहर और काम निपटाने हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं बाहर। सो गाइज हमारे पतिदेव हमको लेने आ गए थे और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बिकॉज भूख लगी है, और उसके बाद करेंगे फिर शूट, क्योंकि राहुल को आने में अभी 15-20 मिनट है, फिर राहुल के साथ करेंगे शूट। तुम करोगे शूट? करोगे ना मैं भाई, फिर जो मैं खुश हूं तुम करोगे सब? थोड़ा सा, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेना यार, आती नहीं। रील्स बनाएंगे, रील्स तो बना लोगे? रील्स बना लेंगे। क्या वीडियो कर रहे हैं? क्या वीडियो कर रहे हैं? 15 मिनट से देख रहा हम लोग ना डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम लोग जो ले रहे हैं बच्चों की शादी जल्दी कराओ ना, पढ़े लिखे कराओ। एक तो मुझे लग रहा है आज जैसा ही मिल गया, ये होती है। लेट मी हेल्प यू। ओह प्लीज, आई नो, प्लीज नो नीड टू टेल मी। वो देखिए अपन लोग देखो नहीं वैसे। अरे एक मिनट एक बात पूरी करने दे। अरे चा तू हैंडशेक क्यों नहीं करती बता ना? आशीष नहीं, एक्चुअल में आशीष डरते हैं। फिल्म बना देते हैं। ऐसा क्या हो गया? अरे ऐसे करके हाथ किया और ऐसे करके निकाल लिया। अरे तुम भी ऐसी मजे लो ना, तो क्या हो गया? घर में कुछ नहीं मत देना इनको, मैं तो घर ऐसा मत करना, कुछ नहीं देना घर में। जब तक तेरी बहने मेरे से ढंग से बात नहीं करेंगी, तमीज से बात नहीं करेंगी, सॉरी नहीं बोलेंगी आगे, तब तक घर में नहीं आएगी। खत्म कहा गया? लेकिन वही है ना, परेशानी तो खुद होना होगा कि नहीं यार ऐसे नहीं बोल सकते। बोलो कुछ बोलो। सही तो बोल रहे हैं। हाँ सही बात है। तो हमारा खाना आ गया है, बट इन्होंने मेरे साथ थोड़ी मीटिंग कर दी, इन्होंने मुझे आइस डाल के दे दी है इसमें मेरे को, बट बिना आइस पता यार ये ऑलरेडी बहुत ठंडा है। तो क्या हो गया? चेंज करा के लाओ। गरम लिया हूँ, 5000 के आधे लीटर की। चलो भैया अब खाना स्टार्ट करते हैं, फिर शूट वूट करना है। चलो क्या कर रहा था? करना, अरे चलो करना। हाँ भाई ये देखो। हाँ, सारी कैचअप पॉकेट में भर रहे। स्ट्रॉ 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 है क्या?
सो गाइस, अब हम लोगों ने कुछ शूट तो कर लिए हैं और कुछ शूट अभी चल रहे हैं, मैंने चेंज किया अभी, अब कुछ शूट अब करेंगे। मतलब शूट क्या मतलब, हम लोग रील शूट कर रहे हैं, वैसा कोई शूट नहीं है अभी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, फिर प्रैंक वगैरह भी करूँगी बाद में, वो अभी कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, इसी के साथ करते हैं ये व्लॉग समाप्त। और ये जो एक्चुअल में मेरे ऊपर एक प्रैंक हुआ है जो आपने अभी ट्रेलर में देखा होगा, और ये प्रैंक आ जाएगा कल, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, ठीक है। सच में मुझे इन लोगों ने रुला दिया था उस प्रैंक में, तो प्रॉपर वीडियो में ये कल डालूंगी। तो सच में मैं बस बता नहीं सकती, मुझे इन्होंने एकदम से ऐसा फील करा दिया कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर प्रैंक किया हुआ हो, बहुत सही, मतलब प्रैंकस्टर के ऊपर ही प्रैंक कर दिया। तो गाइज, वेट करना, कल ये वीडियो आ जाएगी। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।